पार्किंग का तो यहाँ बहुत अच्छा सुविधा है, आप आए होंगे तो देखे भी होंगे, कैमरा भी लगा हुआ है पार्किंग एरिया में। तो यहाँ पे जैसे एसी का व्यवस्था है, अच्छा, और गर्म पानी और ठंडा पानी, नॉर्मल पानी की व्यवस्था है। तो इंतजार की घड़ी खत्म हुई, आपका जो कमेंट आ रहा था आरडीएल सेल्फ स्टडी लाइब्रेरी सेंटर को कवर करने का, उसका इंतजार खत्म हुआ। आज उस वीडियो को लेकर हम आपके लिए आ चुके हैं। सो गाइज, वेलकम टू न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, शानदार होंगे और मज़े में होंगे। तो सामने इंस्टाग्राम की आईडी दिख रही है, वहाँ जाके आप ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। और अभी हम लोग आपको आरडीएल सेल्फ स्टडी लाइब्रेरी सेंटर का फुल डिटेल्स के बारे में बताने वाले हैं, सब कुछ बताने वाले हैं, लोकेशन से लेकर सब कुछ। सबसे पहले मैं आपको लोकेशन की बात कर लेता हूँ। तो जननी हॉस्पिटल पावर हाउस रोड में यह आरडीएल लाइब्रेरी सेंटर पड़ता है, जो कि एकदम लाजवाब है भाई। और सबसे पहले आप देख लीजिए, यहीं पर होगा जो कि आरडीएल सेल्फ स्टडी लाइब्रेरी सेंटर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 24/7 आवर सर्विस ये देते हैं। और देख लीजिए, सब कुछ आपको नंबर उम्बर दिखेगा, लेकिन अभी इसके अंदर हम लोग चलने वाले हैं और आपको फुल तरीके से बताने वाले हैं कि कैसा दिखता है अंदर से और क्या क्या रहने वाला है, क्योंकि भाई सबसे फाइनली दोस्तों ये देख सकते हैं, जैसे ही आप वहाँ से अंदर आएंगे ना, ये सारा में स्टूडेंट के लिए ही पार्किंग की व्यवस्था की गई है, जो कि यहाँ पर जो स्टूडेंट बाइक से आते हैं उनके लिए भी है, साइकिल से भी आते हैं तो उनके लिए भी पार्किंग की व्यवस्था की गई है। तो चलिए बिना लेट किए हुए चलते हैं अंदर और आपसे बातें कर लेते हैं। तो फिलहाल हम लोग अभी आ चुके हैं अंदर, और अंदर आने के बाद आपको एक कह सकते हैं पूरा एक ऑफिस वाला रिसेप्शन एरिया मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर ही जो भी किच होता है, एडमिशन उडमिशन सभी यहीं पर होता है। देख सकते हैं यहाँ पर बैठते हैं भैया जी, और यहाँ पर एक भैया के साथ में रहते हैं, और यहीं पर इनका फिलहाल एक बड़ा सा शानदार ऑफिस मिल जाएगा। फाइनली दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अंदर। अंदर आने के बाद आप देख सकते हैं एक पूरा एक उधर से आपको कतारबद्ध में सीट मिल जाएगा, फुल इस प्रकार भी उसी तरह का सीट है, और इधर भी उसी तरह का सीट है, अरेंजमेंट किया गया है। फाइनली अंदर आ चुके हैं। अंदर आने के बाद आपको लाइब्रेरी के अंदर सारे स्टूडेंट रहेंगे, इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में ही बोल दिया था कि थोड़ा वॉइस में आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो क्योंकि आप देख सकते हैं पूरा उस तरफ से आपको सीट मिल जाएगी कतारबाद में, और यहाँ पर भी फिलहाल सीटें हैं, और इस लाइन से भी पूरा एकदम सीट रखा गया है, जो कि आप ये देख सकते हैं। ये फिलहाल अभी लॉकर है, इसका चार्ज होता है, क्या चार्ज होने वाला है वो भी हमको आपको बताने वाले हैं। लेकिन चलिए थोड़ा एक स्टूडेंट से रिव्यू ले लेते हैं कि कैसा है भाई। मैम तो भैया आपका नाम क्या हुआ फिलहाल? गोपी पटेल। तो फिलहाल आप ये लाइब्रेरी कितने दिन से आ रहे हैं? 3 महीना से, जब से ओपनिंग हुआ ना जब से। अच्छा अच्छा, तो आप क्या चीज़ का प्रिपरेशन करते हैं अभी? तो फिलहाल बिहार सचिवालय और अच्छा अच्छा, तो अगर मैं बात करूं कि ये लाइब्रेरी में तो फिलहाल किस तरह के फैसिलिटी सुविधा आपको मिल रही है? फैसिलिटी तो यहाँ पे जैसे एसी का व्यवस्था है, अच्छा, और गर्म पानी और ठंडा पानी, नॉर्मल पानी की व्यवस्था है, और लाइब्रेरी का माहौल शांत है। अच्छा, आप देख भी रहे हैं। और ठीक है भैया, आपका ज़्यादा थैंक यू। और देख सकते हैं इस तरह में सारे स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ाई करते हैं, और इनका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, और इनसे डायरेक्ट मिलते हैं आपसे बाहर में। और देखिए फिलहाल भैया लोग भी यहाँ पर सभी के लिए एक पर्सनल केबिन बनाया गया, कह सकते हैं एक सीट बनाया गया है, सीट बनाया गया है सभी के लिए, पर्सनल सीट बनाया गया है, उन्हीं में विद्यार्थी लोग बैठते हैं और वहीं पर से प्रिकप्शन करते हैं अपना। तो देख सकते हैं किस तरह से पढ़ाई हो रहा है। तो चलिए देखते हैं, एक कह सकते हैं एक कठियार में सफलतापूर्वक एक स्टूडेंट को बेहतर सुविधा देने के लिए लाइब्रेरी आप लोग के लिए बहुत ही यादगार साबित रहेगा।
भी अंदर गए हुए थे, अंदर जाने के बाद आप लोगों को थोड़ा सा वॉइस में प्रॉब्लम आ रहा होगा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोग से, क्योंकि भाई अंदर में सारे स्टूडेंट थे और स्टूडेंट के सामने मैं कस कस कर बोलूँ तो उनको पढ़ाई में डिस्टर्ब होगा। तो चलिए बिना देर के हुए चलते हैं और स्टूडेंट अभी फिलहाल बाहर आए हुए थे, उनसे बात कर लेते हैं कि इस लाइब्रेरी में आप अगर आते हैं तो आपको किस तरह की फैसिलिटी मिलने वाली है। तो चलिए सबसे पहले भैया से नाम जान लेते हैं, भैया आपका नाम क्या हुआ? राजीव। तो फिलहाल आप इस लाइब्रेरी में कितने दिन से पढ़ाई कर रहे हैं? जब शुरू हुआ था उसी के एक दो महीना बाद से। अच्छा अच्छा, तो फिलहाल मैं बात कर लूँ इस लाइब्रेरी में आपको क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है। इसमें जो चेयर है वो बहुत अच्छा है, स्पेस भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा अच्छा, जो मतलब खुली वातावरण है, आप पूरे दिन अगर बैठते हैं तो आपको प्रॉब्लम किसी भी तरह का, मतलब बैक पेन, सफोकेशन, बैक पेन या फिर मतलब नींद आना, अच्छा उस तरह की कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अच्छा, तो फिलहाल कितने सीट की कैपेसिटी है? 40 के आसपास में है। अच्छा अच्छा, तो इस लाइब्रेरी में फिलहाल सभी को आता है, मतलब गर्ल्स एंड बॉयज? हाँ, पूरी तरह से आते हैं और पढ़ाई बहुत अच्छे से सारे लोग करते हैं। और यहाँ पे एक फिल्टर है जो पानी का एक चीज स्पेशल है, ये चीज हम कहीं पे नहीं देखे यहाँ पे, जब पीने के पानी का जो है सुविधा दिया गया। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि कटिहार में एक अच्छी पहल हो रही है। हाँ बिल्कुल, जो लड़का अब जो है समय का यूटिलाइज कर रहे हैं बहुत अच्छे से, और लाइब्रेरी अच्छी चीज है, अगर पढ़ने का उद्देश्य है कुछ करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, मोर टाइम आप जो है ना उसमें ये कर सकते हैं। और एक ऐसा थोड़ा ज्यादा समय नहीं लेते हैं भैया को भी पढ़ाई करने जाना, तो इधर से भैया से बात करते, भैया आपका नाम क्या हुआ? फिलहाल ऋषभ कुमार। तो फिलहाल आप इस लाइब्रेरी में कितने दिन से पढ़ाई कर रहे हैं? लंबे समय से रहे हैं। अच्छा, याद नहीं। तो फिलहाल मैं बात करूँ इस लाइब्रेरी में स्टूडेंट के लिए क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है? स्टूडेंट के लिए तो बहुत सारा फैसिलिटी है, सबसे पहले जो होता है कि लाइट वगैरह का प्रॉब्लम नहीं होता है, लाइट कटने पे भी जो है एसी वगैरह चलता है, जनरेटर के थ्रू है, इन्वर्टर के थ्रू नहीं है, जनरेटर के थ्रू है। पानी का सुविधा है, ठंडा पानी, गर्म पानी, नॉर्मल पानी का सुविधा है। अच्छा, फिर वाईफाई का बहुत अच्छा व्यवस्था है, वाईफाई बहुत अच्छा चलता है, क्लास वगैरह में बफरिंग नहीं होता है, न्यूज़पेपर का व्यवस्था है, अपडेटेड हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलता है। फिर जाके फॉर्म वगैरह भरने के लिए हम लोगों को कहीं जाना नहीं होता है, सब चीज़ यहीं से हो जाता है, फोटो कॉपी कराने के लिए भी नहीं जाना होता है, सारा सुविधा है यहाँ पे। तो फिलहाल मैं बात कर लूँ कि इस लाइब्रेरी में बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए, बॉयज गर्ल्स दोनों के लिए है, 24 घंटा लाइब्रेरी ओपन है। नाइट शिफ्ट जो है 10 से 5 रात वाला, सुबह तक भी चलता है, उसमें लड़की लोग का नहीं है, बाकी सुबह से लेकर 10 बजे रात तक लड़की लोग। अच्छा, अगर मैं बात करूँ कि एक शिफ्ट में फिलहाल कितने आवर का रहता है? एक शिफ्ट 5 आवर का रहता है। अच्छा, उसका फीस लगता है 400 रुपया एक शिफ्ट का पर मंथ के हिसाब से, लेकिन जो ज़्यादा शिफ्ट लेता है फिर उसके लिए पैसा कम किया जाता है, जैसे 2 शिफ्ट का 700 और अगर पूरा 24 घंटा का लेना है तो 1000 रुपीज सुबह शाम दिन जब तक रहता है। अच्छा अच्छा, तो ये फिलहाल 24 घंटे के लिए ऑपन रहता है, जो मैंने सुना था वो बिल्कुल सही सुना था। तो मैं अगर बात कर लूँ कि लोकेशन की क्या है? लोकेशन ये होगी आपका पावर हाउस रोड विनोदपुर, जननी हॉस्पिटल के सटे हुए है। तो ठीक है भैया से यहीं तक रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय हम लोग को देने के लिए। तो चलिए आप लोग से मिलते हैं डायरेक्ट बाहर। अभी हम लोग बात कर लिए थे, सभी स्टूडेंट से बात करके जा रहे थे, तो फाइनली मैंने सोचा कि आप लोग को तो ऑनर के बारे में बताना ही भूल गए, तो भैया से फिलहाल बात कर लेते हैं और जानते हैं। भैया फिलहाल अगर मैं बात करूं कि स्टूडेंट यहां पर आते हैं तो वो तो 2-व्हीलर से आएंगे या बाइक से आएंगे और बाइसाइकिल से आएंगे, तो उनके लिए क्या सुविधा की गई है पार्किंग के लिए? पार्किंग का तो यहाँ बहुत अच्छा सुविधा है, आप आए होंगे तो देखे भी होंगे, वो सामने में गाड़ी हो गया, साइकिल हो गया, ये सब लगाने का सुविधा है, प्लस कैमरा भी लगा हुआ है पार्किंग एरिया में। अच्छा, तो वहाँ से भी आपका कोई चीज छेड़छाड़ नहीं हो सकता है, मतलब कुछ नहीं हो सकता, जैसे मतलब स्टूडेंट लगा रहे हैं और से आएंगे तो और से मिल जाएगा। अगर मैं बात कर लूँ ऑनर की, तो ऑनर के फिलहाल क्या नाम है? ऑनर का तो नाम है राघवेंद्र शुक्ला, अच्छे शुक्ला करके। अच्छा, तो उनका अगर मैं अगर स्वभाव की बात करूँ तो स्वभाव उनका बहुत अच्छा है, बहुत कोऑपरेटिव है, कोई तरह का स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं होने देते हैं, कोई भी तरह का दिक्कत होता है तो तुरंत उस पर कार्रवाई करते हैं, बाकी पढ़ने लिखने में भी बहुत ध्यान देते हैं कि सब अच्छा से पढ़े, डिसिप्लिन मेंटेन, किसी स्टूडेंट को डिस्टर्ब भी नहीं करते हैं, अगर सीट खाली है कोई 5 घंटा का शिफ्ट के बाद भी थोड़ा बैठा हुआ है तो उसको आके हटाते नहीं है,
अगर सीट खाली है, बैठा हुआ है स्टूडेंट अपना शिफ्ट के बाद भी, तो पढ़ने देते हैं, उसमें कभी डिस्टर्ब नहीं करते हैं। पैसा वगैरह के लिए भी बीच में नहीं रोकते हैं, मंथ लगता है टाइम हो जाता है तो फिर अपना जो है बोला जाता है पैसा देने के लिए, बहुत अच्छा से ही बात करते हैं सर जी से, मतलब बिल्कुल कोऑपरेटिव है, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा इंसान है। तो आप और सबसे भी पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम बोल रहे हैं, सब वही बात बोलेगा। तो आप सोच सकते हैं, और एक सबसे पहले मुझे ये बात अच्छी लगी कि कटिहार में एक शानदार आप लोग की लाइब्रेरी खुल गया है, एक पढ़ने का जरिया खुल चुका है, और इस कारण इस पढ़ाई को बढ़ावा दे रहे हैं, और कटिहार में एक अच्छी पहल है आप सोच रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग वीडियो शूट करके आ चुके हैं, इस वीडियो में आप लोग को बहुत सारे जानकारी मिला होगा, आई होप कि इस वीडियो से आप लोग को बहुत सीख भी मिला होगा, और कटिहार में एक शानदार पहल है आरडीएल लाइब्रेरी सेल्फ स्टडी सेंटर, जो कि आपके कटिहार में खुल चुका है और काफ़ी शानदार है, काफ़ी स्पेशियस भी है। तो आपका भाई मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। हाँ, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, और सामने में घंटा वाला बटन होगा उसको मार के फोड़ के जाइएगा।